जय माता जी। दोस्तों स्वागत है फिर से आपका धर्म स्वास्थ्य चैनल में। दोस्तों ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकामि वंदनाय मृतोर्मुक्षीय मामृतात्। दोस्तों कलयुग में राम नाम और भोले बाबा के नाम की महिमा अपरंपार है। दोस्तों कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साक्षात कहा था कि भगवान का नाम कलयुग में सबसे बड़ा त्राण है, अर्थात रक्षा करने वाला है। दोस्तों इसीलिए कलयुग में नाम जप की खास अहमियत है। राम का नाम और भोलेनाथ का नाम ही ऐसा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है। इस विश्व में दोस्तों कोई अमर नहीं है, सभी मरणशील है। पैदा होने वाले को एक दिन इस दुनिया से विदा लेना ही पड़ता है। ईश्वर का नाम लेने से जहां जीवन की समस्या सरल होती है, वहीं आयु पूरी होने के पश्चात मनुष्य की अंतिम यात्रा के समय भी आपने गौर किया होगा, राम नाम साथ चलता है। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में किसी मनुष्य की अंतिम यात्रा के चलते लोग रास्ते भर राम नाम सत्य बोलते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, आइए विस्तार से जानते हैं वो रहस्य। दोस्तों जीवन भर मनुष्य पैसा जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए दौड़ता है, मारा फिरता है। अपना काम बनाने के लिए व्यक्ति छल कपट करता है, मगर मरने के पश्चात सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना पड़ता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक मनुष्य के साथ उसके कर्मों का हिसाब जाता है, इसी आधार पर उसकी मुक्ति अथवा किसी और योनि में जन्म प्राप्त होता है। वही इंसान जहां जन्म लेता है तो उसे वहां के नियमों को मानना पड़ता है। उम्र यानी दोस्तों पूरी आयु के पश्चात मनुष्य की आखिरी यात्रा के समय ईश्वर का नाम यानी राम नाम ही उसका साथ देता है। कहा जाता है दोस्तों कि सबसे पहले इस बात का उल्लेख महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। दोस्तों मृतक को शमशान ले जाते वक्त राम नाम सत्य है बोलते हैं, लेकिन सब दाह करने के पश्चात घर लौटते ही सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से माया मोह में पड़ जाते हैं। मनुष्य मृतक के पैसे घर इत्यादि को बंटवारा को लेकर चिंतित हो जाता है, संपत्ति को लेकर लड़ने लगता है। इसी पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यह भी बताया है कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, मगर आखिर में परिवार वाले उसकी संपत्ति को चाहते हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या होगा। इसलिए दोस्तों इस कलयुग में आपको अपने जीवन से त्राण अर्थात त्राण मोक्ष पाना है तो राम नाम का सहारा ही एक उचित सहारा है। दोस्तों इसलिए राम नाम का सहारे ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को भी पाइए, साथ ही उस नाम को भी ना भूलिए। उम्मीद है दोस्तों आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई, तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।